कैसे हो आप सब दोस्तों। आप सभी का मेरे इस YouTube चैनल पर स्वागत है। दोस्तों आज के इस वीडियो में हम जानेंगे मोटो पल्स एक्सकेप के बारे में। एक्चुअल में इस हेडफोन को दोस्तों लगभग मैं 4 साल से यूज़ कर रहा हूँ, प्लस इसकी क्वालिटी के बारे में बात करेंगे। ये आपको लेना चाहिए या नहीं लेना चाहिए दोस्तों उसके बारे में बताऊँगा, प्लस आप इसकी हालत देख रहे हो किस तरह का फॉर्म हो गया है। पूरी तरह से पूरी गादी का ये पूरा निकल चुका है, जो ऊपर का मैट चढ़ाया था दोस्तों वो पूरा निकल चुका है। प्लस इसकी रिलायबिलिटी की बात करूँगा दोस्तों, ये एक्चुअल में हेडफोन कैसा है। अगर आपका बजट 3000 रुपये है तो क्या इस हेडफोन को आपको लेना चाहिए या नहीं लेना चाहिए। एक्चुअल में दोस्तों इसका जो प्राइसिंग है ऊपर चढ़ता जाता है, नीचे उतरता जाता है अकॉर्डिंग टू डिमांड। इसके डिमांड के हिसाब से दोस्तों इसका प्राइसिंग ऊपर से नीचे होता जाता है। अब दोस्तों JBL या बॉस के सामने क्या ये हेडफोन टिक पाएगा या नहीं टिक पाएगा, तो मैं आपको मेरा ओपिनियन भी बताऊंगा। एक्चुअल में आपको JBL या बॉस के हेडफोन लेने चाहिए या नहीं लेने चाहिए दोस्तों, वो भी मैं आपको बताऊंगा। प्लस ये हेडफोन वैल्यू फॉर मनी है या नहीं है दोस्तों उसके बारे में भी बताऊंगा। तो सबसे पहले दोस्तों आप सभी से रिक्वेस्ट है, अगर अभी तक आपने मेरे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ अपने यूट्यूब ऐप में जाकर गीकी राम को सर्च कीजिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। तो सबसे पहले दोस्तों इस हेडफोन की मैं आपको कीमत बता देना चाहता हूँ। ये आपको अभी मैं 3000 रुपये के प्राइस रेंज में अमेजोन पे मिल रहा है। तो आप अभी डिस्प्ले के सामने देख रहे हो दोस्तों 3000 रुपये में ये अमेजोन में अभी आपको मिल रहा है। अब दोस्तों इसको मैंने लगभग मैं 2200 रुपये के अंदर लिया था दोस्तों। 4 साल हो चुके दोस्तों, इस हेडफोन के अंदर कोई भी प्रॉब्लम नहीं आई है। प्लस इसके अंदर आपको डेडिकेटेड गूगल असिस्टेंट का भी बटन दे दिया गया है, जिसके जरिए आप वॉइस कंट्रोल के थ्रू अपने फ़ोन को कंट्रोल कर सकते हो। प्लस इसके अंदर 14mm के ड्राइवर्स दिए हुए हैं, जिसके जरिए ये आपको क्वालिटी के अंदर बहुत ही अच्छी क्वालिटी प्रोवाइड करता है। और दोस्तों मेन चीज़ है इसका फोल्डेबल डिज़ाइन। हाँ दोस्तों इसको आप कहीं से भी फोल्डेबल कर सकते हो, देख लीजिए ये है ऐसा हेडफोन है। प्लस इसका टेंगल फ्री है दोस्तों ये वायर, तो आप इसको ईजिली अपने हेडफोन के अंदर लगा सकते हो और आप कहीं पे भी चले जाइए, स्पोर्ट्स करते रहिए या किसी भी के अंदर जाइए दोस्तों, तो ये आपको ईजिली कम्फर्ट रहता है, कोई प्रॉब्लम आपको आने वाली नहीं है। प्लस इसकी जो फॉर्म है दोस्तों बहुत ही कुशनिंग अच्छी है, और क्वालिटी के मामले में दोस्तों अगर आप म्यूजिक सुनते हो तो 40mm के ड्राइवर्स आपको एकदम ही इमर्सिव साउंड देते हैं, मतलब कि आपको जो एक्स्ट्रा साउंड बाहर की आती है दोस्तों वो सुनाई नहीं देती। क्वालिटी के अंदर बहुत ही अच्छा साउंड आपको ये मिल जाता है। प्लस इसके अंदर सारे कंट्रोल आपको दिए हुए हैं, अगर आपको प्रीवियस या नेक्स्ट करना है तो इधर बटन दिया हुआ है, प्लस और माइनस का बटन दिया हुआ है, वॉल्यूम कंट्रोल का बटन दिया है दोस्तों, गूगल असिस्टेंट का भी बटन दिया हुआ है। इसको जैसे आपको प्रेस करके रखना है तो आपका गूगल असिस्टेंट चालू हो जाएगा, अगर इसको आप 1 टैप करते हो दोस्तों तो आपका नेक्स्ट सॉन्ग आ जाएगा, अगर आप इसको 1 टैप करते हो तो आपका प्रीवियस सॉन्ग आ जाएगा, और वॉल्यूम माइनस का भी बटन इसके अंदर दोस्तों दिया गया है। अब दोस्तों इस हेडफोन को आप इसको फोल्ड भी कर सकते हो, प्लस इसको आप इजीली कहीं भी कैरी कर सकते हो, इस तरह से फोल्ड हो जाता है दोस्तों, और आप कहीं को भी कैरी करना है तो आप कर सकते हो। ये एक्चुअल में 2 कलर में आता है, एक वाइट कलर और ब्लैक कलर। मैंने वाइट कलर लिया था, पर इसको मैं लॉन्ग टाइम से यूज़ कर रहा हूँ दोस्तों, कोई भी प्रॉब्लम आई नहीं है। अगर आपका बजट लगभग में 2000 से 3000 रुपये है, अगर आपको एक वैल्यू फॉर मनी इसके मोटो पल्स एक्सकेप हेडफोन को आप ज़रूर ले सकते हो। क्वालिटी के अंदर दोस्तों कोई भी कॉम्प्रोमाइज़ नहीं किया है। मेरे पास में दोस्तों वायर वाले भी ईयरफोन्स है, वायरलेस ईयरफोन्स है, पर इसमें इसकी जो क्वालिटी है दोस्तों उसको कोई बीट नहीं कर सकता। भले इसकी जो कुशनिंग वो निकल चुकी है, पर फिर भी दोस्तों ये क्वालिटी के अंदर अभी भी उसी तरह का साउंड देता है जिस तरह से आप ना ले तो। और प्लस इसकी जो रिलायबिलिटी बहुत ही अच्छी, इसको एक्सटेंड भी आप कर सकते हो, जैसा भी आपका एडजस्ट करना है दोस्तों इसको एडजस्ट कर सकते हो आप अपने हिसाब से, प्लस अपने कान में इजीली आप फिट कर सकते हो। और आप बाइकिंग करते हो या कहीं लॉन्ग टूर पे जाते हो या फिर आप लॉन्ग ट्रैवलिंग करते हो दोस्तों, तो इजीली आप इसको लेके जा सकते हो। अगर आप बॉस के हेडफोन 30 से 35 हज़ार रुपये के मिलते हैं, बीट्स के हेडफोन भी दोस्तों 30 से 35 हज़ार में मिलते हैं, पर ये 3000 के अंदर उन सभी को बीट करता है, मैं तो यही मानता हूँ दोस्तों। क्योंकि बॉस का मैंने साउंड नहीं सुना है, ना ही JBL का साउंड सुना है, पर एक्चुअल में दोस्तों जो मोटरोला है वही मेरे लिए बॉस का हेडफोन है, क्योंकि क्वालिटी मुझे A1 क्वालिटी देता है, कोई कॉम्प्रोमाइज़ नहीं करने देता कोई भी क्वालिटी के अंदर। प्लस इसका जो बेस है 40mm के ड्राइवर से दोस्तों, वो आपको इमर्सिव साउंड देते हैं, आपको फील ही नहीं होने देते कि आप एक लो बजट कैटेगरी का हेडफोन सुन रहे हो, ये प्रीमियम क्वालिटी आपको प्रोवाइड करता है। एक बार अगर आप इस हेडफोन को लेना है दोस्तों तो मैं लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, आप जाकर परचेस कर सकते हो। क्वालिटी के मामले में अभी आपको 3000 रुपये के प्राइस में मिल जाएगा दोस्तों, अगर आपको लेना है तो आप इसको ज़रूर ले सकते हो। और क्वालिटी के मामले दोस्तों बहुत ही अच्छा हेडफोन है, बेस्ट क्वालिटी इसकी अच्छी है, वोकल क्वालिटी भी दोस्तों इसकी अच्छी है, तो सारे फंक्शंस आपको इस हेडफोन के अंदर मिल जाते हैं, तो आपको दूसरा हेडफोन लेने की कोई ज़रूरत नहीं। और कुशनिंग भी आपको अच्छी दी गई है और फोल्डेबल भी है,
प्लस इसका जो एक्सटेंशन भी है, अगर आपको अपना हेड बड़ा है तो उसको एक्सटेंड भी कर सकते हो, प्लस आपके हेड के अंदर इजीली आ सकता है, ये गिरेगा भी नहीं दोस्तों। आप कहीं पे भी चले जाइए, स्पोर्ट्स में चले जाइए, लॉन्ग ड्राइविंग करते हो या फिर आप कहीं फ्लाइट पे जाते हो, तो उसके लिए सबसे बेहतरीन हेडफोन है, तो मैं आपको ये हेडफोन प्रीफर करता हूँ। क्वालिटी के मामले में आपको कोई प्रॉब्लम आने नहीं देगा। तो दोस्तों बस यही बताना चाहता था इस हेडफोन के बारे में, क्या आप इसको वायर लगाना दोस्तों, तो वायर भी आप इसमें लगा सकते हो। इसका बैटरी बैकअप चार्जिंग के लिए भी स्लॉट दिया हुआ है, तो इसको आप चार्ज कर सकते हो। अगर इसको ऑन करना है दोस्तों, तो आप इसको ये जो बटन है ऊपर दिया हुआ है, इसको ऑन करके प्रेस करके आप ऑन कर सकते हो। तो देखिए दोस्तों ये ऑन हो जाता है, प्लस इधर आपको एक लाइट जलती हुई दिखाई देती होगी डिस्प्ले के सामने, आप देख रहे हो कि नहीं देख रहे हो, आपको दिख रहा है कि नहीं मुझे पता नहीं, पर दोस्तों एक ब्लिंक लाइट दिखती हुई दिखाई दे रही होगी। और इसको पेयर करना दोस्तों बहुत ही आसान है, जस्ट इसको एक बार आपने पेयर कर दिया अपने फ़ोन के अंदर, तो ये आपको बैटरी परसेंटेज भी दिखाता है फ़ोन के अंदर कि कितना बैटरी आपको इसके अंदर है, प्लस चार्जिंग का टाइम बताओ दोस्तों तो 16 आवर्स का आपका म्यूज़िक प्लेबैक का टाइम मिलता है, प्लस 5 आवर्स का आपको कॉलिंग का टाइम आपको इसके अंदर मिल जाता है। तो ये बहुत ही अच्छा हेडफोन है प्राइस रेंज के हिसाब से दोस्तों, क्वालिटी के हिसाब से, रिलायबिलिटी के हिसाब से। मोटोरोला का मोटो पल्स एस्केप एक वैल्यू फॉर मनी डील है। अगर आप इसको ग्रैब करना चाहते हो तो आप जाकर अमेजोन से ज़रूर परचेस कर सकते हो, इसका लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, तो आप उसको यूज़ करके आप इसको ज़रूर परचेस कर सकती हो। और क्वालिटी के लिए दोस्तों A1 आपको दे दिया गया है। मैंने इसको लगभग मैं 3 से 4 साल से यूज़ कर रहा हूँ, कोई प्रॉब्लम नहीं आई है, नो सिंगल एवर प्रॉब्लम आई है। प्लस चार्जिंग के लिए दोस्तों बहुत ही अच्छा चार्जिंग हो जाता है, लगभग मैं 2.5 से 3 घंटे के अंदर फुल चार्ज हो जाता है। अगर आपका म्यूजिक प्लेबैक का टाइम बताओ दोस्तों, तो 18 आवर्स का म्यूजिक प्लेबैक का टाइम आपको ये मिलता है, 5 आवर्स का आपको कॉलिंग का टाइम मिल जाता है, प्लस इजी टू कैरी, आप कहीं पे भी कैरी कर सकते हो इसको फोल्ड करके, तो आप इजीली इसको कहीं पे भी ले जा सकते हो। तो बस यही मेरा ओपिनियन था इस हेडफोन के बारे में। अगर आपको एक वैल्यू फॉर मनी हेडफोन लेना है, एक बजट कैटेगरी का हेडफोन लेना है वायरलेसली, आपको वायर के झंझट नहीं चाहिए, तो मोटो पल्स एस्केप दोस्तों आप सभी के लिए एक बेहतरीन डील है, आप इसको ज़रूर ग्रैब कर सकते हो। क्वालिटी के हिसाब से, रिलायबिलिटी के हिसाब से 1 साल का आपको वारंटी इसके साथ में मिलता है, प्लस इसके अंदर आपको वायर भी आप लगा सकते हो। अगर आपको वायरलेस नहीं सुनना है, वायर लगाना है, तो वायर लगाकर भी इसको आप सुन सकते हो। तो 3.5 mm का ऑडियो जैक भी लगाकर आप अपने हेडफोन का मज़ा ज़रूर ले सकते हो। तो इसके लिए दोस्तों मेरा थम्स अप रहेगा, अगर आपको ये हेडफोन लेना है तो आप ज़रूर ले सकते हो। मैं लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दूँगा, आप जाकर उधर से परचेस कर सकते हो, या कहीं भी ऑफलाइन से भी आप इसको परचेस कर सकते हो। तो बस मैं यही बताना चाहता था इस हेडफोन के बारे में कि वैल्यू फॉर मनी डील है आप सभी के लिए, तो इसको अपॉर्चुनिटी को ग्रैब कीजिए और इस हेडफोन को ले लीजिए। क्वालिटी के अंदर दोस्तों A1 है, और बॉस और JBL के हेडफोन दोस्तों बहुत ही कॉस्टली आते हैं। एज ऑफ नाउ अभी आप समझ रहे हो कि किस तरह का सिचुएशन है, तो आप उस हेडफोन को अफोर्ड नहीं कर सकते होंगे, मुझे पता है। तो भी इसे दोस्तों आप उसको इग्नोर करके इस हेडफोन को आप ज़रूर ले सकते हो। तो बस आज के इस वीडियो में इतना ही, आप मुझे ज़रूर कमेंट सेक्शन में बताइएगा दोस्तों इस हेडफोन के बारे में आप क्या सोचते हैं। अगर आपका कोई भी क्वेश्चन हो दोस्तों इस हेडफोन के बारे में, इस वीडियो के रिगार्डिंग में, तो आप मुझे ज़रूर कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हो। मैं आप सभी के क्वेश्चंस के आंसर पूरे डीपली एंड क्लियरली ज़रूर देने की कोशिश करूँगा। तो बस आज के इस वीडियो में इतना ही, अगर आपको मेरा वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ लाइक कीजिएगा। अगर आपको लगता है कि दोस्तों मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना चाहिए, तो अपने यूट्यूब ऐप में जाकर गीकी राम को सर्च कीजिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, और बेल आइकन को प्रेस करना मत भूलिएगा दोस्तों। अगर आप बेल आइकन को प्रेस करोगे तो मेरे जैसे ही वीडियो अपलोड होते हैं तो आपके डिस्प्ले के अंदर नोटिफिकेशन आ जाएगा। तो बस आज के इस वीडियो में इतना ही। जय हिंद, वंदे मातरम, भारत माता की जय।